अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी यहाँ बहुत ठीक हैं। तो हमारी तरफ स्नो का मौसम तो आ गया है, यानी कि विंटर्स बहुत तेज़ी से आ चुके हैं कनाडा में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो हुई है सुबह से, जो कि आप देख सकते हैं पूरी रात स्नो हुई थी। और इसी वजह से आप जहाँ भी देखेंगे वो सब कुछ आपको वाइट नज़र आएगा, तो ये भी एक बहुत ही अलग सी ब्यूटी नज़र आती है। तो सुबह उठने के बाद हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था लाइट सा, कुछ ज़्यादा हैवी खाने का दिल भी नहीं हो रहा था। वैसे ही स्नो और विंटर्स के जो दिन होते हैं वो बहुत ही डल से और थोड़े लेज़ी से होते हैं कह सकते हैं। तो मैंने सोचा कि घर में ही कपकेक्स बनाते हैं। मेरे पास बेटी क्रॉकर का एक कन्फेटी केक का डब्बा पड़ा हुआ था, बॉक्स पड़ा था, तो मैंने सोचा केक बनाने के बजाय इससे हम कपकेक्स बना लेते हैं। यूजुअली कभी कभार जब मैं जल्दी में होती हूँ तो स्क्रैच से बनाने के बजाय मैं ये बॉक्सेस यूज़ कर लेती हूँ, और इस तरह के बॉक्सेस बेटी क्रॉकर के मेरे पास अक्सर ही होते हैं, चॉकलेट का वनीला, फ्रेंच वनीला और ये बर्थडे केक वाला। और जब मौसम ठंडा होता है तो कुछ गरम गरम खाने का दिल करता है, और इस टाइम गरम गरम कपकेक खाने का दिल कर रहा था, तो बस झटपट मैंने कपकेक्स बना लिए। काफ़ी इजी भी हो जाता है, आपको सिर्फ इसमें एग्स ऐड करने होते हैं, ऑयल और साथ में मिल्क ऐड कर दें, और बस उनको इनके कपकेक होल्डर्स में डाल दें और उसके बाद इसको बेक कर दें। अराउंड 20-25 मिनट्स में कपकेक्स आपके रेडी हो जाते हैं, खाने को तैयार हो जाते हैं। फिर लुजैन ने मुझसे कहा कि उसको पिंक कलर के कपकेक्स खाने हैं, और मिकाइल कह रहा था उसे ब्लू खाने, और ये बन के जो निकले थे ये थोड़ा येलोइश वाइट कलर के थे। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं बटर क्रीम की फ्रॉस्टिंग कर देती हूँ। और जो मैंने फ्रॉस्टिंग करी तो उसके बाद तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रहे थे। मैं अपने क्रिएशन से बहुत ज़्यादा खुश थी इस टाइम। और क्योंकि वीकेंड था तो हमने सोचा कि कहाँ जाएं, कुछ करते हैं बाहर निकल के, बच्चों को भी बाहर लेके जाते हैं, लेकिन स्नो की वजह से कोई भी आउटडोर एक्टिविटी तो कर नहीं सकते थे, इसीलिए हमने सोचा कोई इंडोर लोकेशन देखते हैं। और सबसे अच्छा हमें यही लगा कि चक ई चीज़ चले जाते हैं बच्चों को लेके। चक ई चीज़ का 1 आवर का कार्ड बाय कर लेते हैं, और उससे ही बच्चे बहुत आराम से खेल लेते हैं, अनलिमिटेड गेम्स होते हैं उसमें, तो बहुत आराम से पूरा 1 घंटा निकल जाता है, और जब तक ये फिनिश होता है तो वो लोग थक भी बहुत जाते हैं। तो चक ई चीज़ हो गया था, बहुत ज़्यादा फ़न किया सबने, और उसके बाद हमने सोचा कुछ खाने पीने के लिए निकलते हैं।
बहुत टाइम से दिल हो रहा था कुछ चटपटा सा खाने का। ये जो एक प्लेस है, ये यहाँ से हम अक्सर खाते हैं और हमेशा ही बहुत अच्छी होती है, बहुत फ्रेश होती है। तो हमने सोचा समोसे भी ट्राई करते हैं, और समोसे थोड़े ओके थे, इतने कोई ख़ास नहीं थे, लेकिन चाट और गोलगप्पे बहुत मज़े के थे, बहुत सेटिस्फाइंग थे। क्योंकि चाट तो इतनी स्पाइसी होती है और हम लोग एक्स्ट्रा स्पाइसी बनवाते भी हैं इसको थोड़ा, तो बच्चे तो खा नहीं सकते थे। तो फिर बच्चों ने बोला कि उनको पॉपाइज़ खाना है, हम उनको पॉपाइज़ लेके गए। वहाँ जाके हमने उनको सैंडविचेस दिला दिए, थोड़े से फ्रेंच फ्राइज दिला दिए, तो वो इसी में बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे। फिर जब हम वापस घर की तरफ आ रहे थे तो अगेन स्नो होने लगी थी, और इस टाइम इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, हल्की पुल्की थी, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, जैसे कि आपको मेरे और भी व्लॉग्स अच्छे लगते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगी अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो मैं ज़रूर आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। तो जाने के लिए ज़रूर देखिएगा मेरा नेक्स्ट व्लॉग। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।